धार जिले के सरदारपुर तहसील के उपमंडी दसई के लाइसेंस धारी अनाज व्यापारी राजेश पिता रमनलाल खापिया निवासी दसई उपमंडी में अनाज खरीदी करता था। शुरुआत में राजेश खापिया किसानों से मंडी से ऊंचे दाम पर माल खरीदकर व समय पर भुगतान कर किसानों को प्रलोभन देकर किसानों से लगभग 5-10 करोड़ रुपए का माल लेकर अफुचक्कर हो गया था। किसानों ने 8 जून 2019 को दसई पुलिस चौकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरदारपुर को ज्ञापन दिया था। इसमें आरोप लगाया गया कि राजगढ़ मंडी के एक व्यापारी ने उनकी फसल खरीदी लेकिन भुगतान नहीं किया। लंबे इंतजार के बाद भी भुगतान नहीं मिला। जब व्यापारी के घर पहुंचे तो वह नदारद मिला। इसी बात को लेकर धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर अमझेरा थाना प्रभारी रतनलाल मीना व दसई चौकी प्रभारी बलवीर सिंह यादव आरक्षक राजू नायक के अथक प्रयास से मुखबिर की सूचना पर अमझेरा पुलिस ने 1 जुलाई 2019 को फरार आरोपी राजेश जैन को गुजरात बड़ौदा से उसके परिजन के घर से गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कैसा क्या पूरा मामला हुआ है? इसमें दसई थाना दसई चौकी क्षेत्र का मामला है। इसमें मोतीलाल पिता पुनाजी पाटीदार दसई ने रिपोर्ट करी थी कि व्यापारी राजेश पिता रमनलाल जैन जो दसई में काफ़ी लंबे समय से किसानों की उपज खरीद रहा था, तो इसके द्वारा पिछले कुछ समय से किसानों की उपज खरीदने के बाद उनको राशि वितरित नहीं की जा रही थी। कुछ लोगों को जो थोड़ी थोड़ी राशि देके उनको पूरा मूल्य नहीं चुकाया, और इसके बाद अचानक एक रात को ही अपने परिवार सहित सारा सामान लेकर फरार हो गया था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि इसके द्वारा किसानों की राशि हड़पने की नीयत से गांव छोड़ दिया गया है। इस पर से थाना अंधेरा पर 420 का प्रकरण इसके विरुद्ध 420-406 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक बलवीर सिंह यादव के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान इसकी उपस्थिति के बारे में सूचना मिली कि ये बड़ौदा में अपने परिवार सहित रह रहा है। उस सूचना के आधार पर उप निरीक्षक बलवीर सिंह यादव के द्वारा वहाँ जाकर के दबिश दी गई और इसको पकड़ के लाया गया है, और इसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने के उपरांत काफ़ी किसान जिनके पैसे इससे लेना है वो भी आए हैं। उसको आज न्यायालय में पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में TI अंजेरा रतनलाल मीणा बलवीर सिंह यादव और उनकी टीम का बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। कितने लाखों तक का इसमें लेन देन का बताया? इसमें जिस हिसाब से किसानों के द्वारा अपने कागज पेश किए गए हैं वह जवानी कथन में बताया है, ये करीब इसकी जो राशि है ये करीब 1 करोड़ के आसपास पहुँच रही है। अभी भी कुछ किसान लोग आकर बता रहे हैं कि इससे कितना पैसा लेना है, ये पूरा अभी विवेचना में मामला है और इसका पुलिस रिमांड प्राप्त करके इससे और जानकारी प्राप्त की है। व्यापारी किस तरह एटता था सर? ये कुछ कृषि उपज खरीदने के बाद में उसी समय कुछ मूल्य चुका देता था, बाकी राशि शेष रखी जा रही थी, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर करता था, बाकी बड़ी मोटी रकम जो थी वो इसने नहीं चुकाई थी और अचानक एक रात को आरोपी ने बताया कि घाटा होने के कारण वो नहीं चुका पाया है। काफ़ी लंबे समय से इसका व्यापार घाटे में चल रहा था, इस कारण से पैसे नहीं दिए। उसने इनकार नहीं किया है कि पैसे देना नहीं है, उसने बकायदा बताया, पर वो कुछ लोगों के पैसे नहीं देना और कुछ लोगों के पैसे देना बता रहा है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।